नमस्कार, मैं हरे किशन मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो लेक्चर जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो है जटिल पर्वत जाल का लघुकरण। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जटिल जो जाल पर्वत होता है उसका लघुकरण हमने टी जाल में किया था, टी जाल में किया था। और हमने पाया था कि इस प्रकार से जैसे हमारे पास में जटिल जाल है, हमारे पास में ये जटिल जाल है जिसमें दो इनपुट टर्मिनल है, दो आउटपुट टर्मिनल है, 1, 1, 2, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया था? इसको हमने एक टी जाल में कन्वर्ट किया था, टी जाल में कन्वर्ट किया था इसको हमने, ठीक है। इस जिसके अंदर इस टी जाल में भी दो इनपुट टर्मिनल है और दो आउटपुट टर्मिनल है। इसमें ये Z1, ये Z2, ये Z3 था हमारा। इनको कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड सिंबल यूज किए थे। हमने वो सिंबल थे Z1 OC, Z1 SC, Z2 OC और Z2 SC। ये है क्या? ये Z1 मीन्स टर्मिनल एक पर कितनी प्रतिबाधा है, Z1 कब है जब टर्मिनल 2 ओपन हो। ये टर्मिनल Z1 पर मापित प्रतिबाधा है जब टर्मिनल 2 शॉर्ट सर्किट हो। ये टर्मिनल 2 पर मापित प्रतिबाधा है जब टर्मिनल 1 शॉर्ट सर्किट हो। और ये टर्मिनल 2 पर मापित प्रतिबाधा है जब टर्मिनल युग्म 1 शॉर्ट सर्किट हो। ये ओपन सर्किट है। हमने देखा कि जैसे इस राशि का संबंध इससे सेम होने पर हमारे इस पर्वत का एक तरह से निरूपण करता सिंप्लीफिकेशन है। अर्थात जो व्यवहार इस पर्वत का होगा, जटिल जाल का होगा, वही हमारा इस टी जाल का होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग Z1 OC इस पर मापते हैं। तो इस Z1 OC के बराबर इस पर मापेंगे, Z1 OC बराबर होनी चाहिए। ओपन सर्किट मीन्स ये सर्किट ओपन होना चाहिए। तो हमारी कितनी आएगी, जब हम लोग टर्मिनल 2 को ओपन करते हैं तो हम लोग इंटरवल टर्मिनल पर प्रतिबाधा का मापन करते हैं। तो हमारे पास में ए और उसके क्रम में Z3 श्रेणी क्रम में आ जाती है। तो ये हमारे पास में Z1 + Z3 है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, Z2 टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट करने के बाद में ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में आ जाती है। और समांतर क्रम में ऐड होने के बाद में श्रेणी क्रम में इसके रहती है। तो हमारी Z1 SC कितनी आ गई, Z1 + Z2 Z3 / Z2 + Z3। ये हमारी Z1 SC आ गई। उसके बाद में हम लोग टर्मिनल को ऊपर मापते हैं Z2 OC, इसको ओपन रखे वो मापते हैं। और ये मापन किसके बराबर होना चाहिए, इस टर्मिनल पर Z2 OC के बराबर होना चाहिए। तो Z2 OC मापने के लिए इस टर्मिनल को हम लोग ब्लर रखते हैं। ब्लर रखने पर क्या होगा, हमारा सर्किट यहाँ से यहाँ ब्लर हो जाता है। तो Z2 + Z3 ही रहेगा, Z2 + Z3। उसके बाद में हमारा Z2 SC है। Z2 SC के हैं, इस टर्मिनल पर मापित प्रतिबाधा जब ये शॉर्ट सर्किट होगा, तो इस पर मापित प्रतिबाधा जब ये शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये क्या होगा, ये होगी समांतर क्रम में होगी। और फिर उसके बाद ऐड होने के बाद में इसके वो श्रेणी क्रम में ऐड रहते हैं। तो Z2 की श्रेणी क्रम में ऐड रहते हैं कौन कौन, Z1 Z3 Z1 + Z3 में ऐड करने के बाद में इस प्रकार से हमारे पास ये प्रतिबाधा होगी। हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसके इन टर्मिनलों पर SC और OC ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करने के बाद में दूसरे टर्मिनलों को हम लोग प्रतिबाधा का मापन करते हैं। और इन पर भी हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं, तो वो हमारे पास की आई। अब ये अगर इसके बराबर
पहली जो प्रेरणा तंत्र की दाल है इसका निर्माण युक्ति जान करेगा। ठीक है, हमने सोल में किया था क्या क्या हमारे पास में जैव जैसे की वैल्यू क्या क्या आती है। शायद हमारे पास जो जेड की वैल्यू आती है जेड की इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जेड टू ओ सी जेड वन ओ सी माइनस जेड वन एस की आएगी। ठीक है, तो हमने याद किया कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का निरूपण ये टी जाल कर रहा है जिसमें जेड वन जेड टू जेड थ्री तीन प्रतिबाधाएं हैं, जेड वन जेड टू जेड थ्री तीन प्रतिबाधाएं हैं, तो उन जेड वन जेड टू जेड थ्री का मान कितना होगा। तो हमने इन समीकरणों से निकाले, हमारे पास में तीन समीकरण है और हमारे पास में तीन ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल का मतलब हमें पता नहीं है कि वैल्यू क्या है। तो हमने जेड थ्री ज्ञात कर लिया, हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, यहाँ से जेड थ्री का मान रख लिया, बाद में हम लोग जेड वन का मान निकाल लेते हैं। तो जेड वन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, जेड वन ओ सी माइनस जेड थ्री, और उसी प्रकार से हम यहाँ से जेड टू का मान निकाल सकते हैं, जेड थ्री का मान यहाँ के, तो वो हमारे पास जेड टू कितना आता है, जेड टू ओ सी माइनस जेड थ्री। हमें जेड थ्री पता है, हमारे जेड थ्री ये है, जेड थ्री का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे हमारे पास में जेड वन जेड टू जेड थ्री से होना है। इस प्रकार से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में बना सकते हैं। अगर हमें पता हो कि इसके इन टर्मिनलों पर हमसे प्रतिबाधाएं क्या क्या हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, एक संबंध निकालते हैं कि इनके अंदर क्या संबंध होगा। इस जाल के लिए आई थिंक वो सभी जाल के लिए एक संबंध होता है, और वो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जेड वन ओ सी को जेड टू ओ सी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, जेड वन ओ सी को जेड टू एस सी से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई थिंक दोनों बराबर आएंगे, और बराबर आते हैं हम लोग अभी सिद्ध करते हैं, बराबर आते हैं तो किसी भी जटिल जाल के लिए या सिंपल जाल के लिए इन राशियों का मल्टीप्लाई वो एक समान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जेड वन एस सी को जेड टू ओ सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जेड टू प्लस जेड थ्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जेड टू ओ सी को जेड टू ओ सी जेड वन एस सी, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो जेड टू ओ सी कितना बना, जेड टू प्लस जेड थ्री, जेड टू प्लस जेड थ्री, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री। ठीक है, तो देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जेड टू प्लस जेड थ्री जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री। ठीक है, इसको ओवर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, जेड वन जेड टू जेड वन जेड टू, फिर जेड टू जेड थ्री यहाँ पे है हमारा जेड टू जेड थ्री प्लस और ये जेड थ्री जेड वन। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, जेड जेड टू ओ सी जेड वन एस सी, जेड टू ओ सी जेड वन एस सी। ठीक है, ये आ गया, देखो हमने ऑर्डर लिखे हैं, जेड टू ओपन सर्किट को जेड वन शॉर्ट सर्किट। प्रतिबाधा जेड टू को प्रतिबाधा जेड वन से मल्टीप्लाई करें, जब प्रतिबाधा जेड टू मापी गई है एक शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट हो, और प्रतिबाधा टर्मिनल नंबर ए पर मापी गई है जब टर्मिनल नंबर टू शॉर्ट सर्किट हो। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबाधा दो मापी गई है जब टर्मिनल टर्मिनल नंबर टू पर मापी गई प्रतिबाधा जेड टू जब टर्मिनल नंबर एक शॉर्ट सर्किट हो, और उसका मल्टीप्लाई है टर्मिनल नंबर एक पर मापी गई प्रतिबाधा जब टर्मिनल नंबर दो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
क्या करेंगे हम लोग, जेड वन ओ सी, जेड वन ओ सी, जेड टू एस सी, ठीक है। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या इन दोनों इसका मान भी वही आता है क्या। करते हैं मल्टीप्लाई, तो जेड वन ओ सी कितना है हमारा, जेड वन प्लस जेड थ्री, ये तो हमारा जेड वन ओ सी है, और जेड टू एस सी कितना हमारा, जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री अपॉन जेड वन प्लस जेड टू, ये हमारा आइडिया मल्टीप्लाई बाय जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ से कट कैंसिल होने की बात नहीं है हमारे पास में, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, जेड वन प्लस जेड थ्री टाइम जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड टू, ठीक है। कितना आएगा, जेड वन जेड टू प्लस जेड थ्री जेड टू और प्लस में हमारे यहाँ जेड वन प्लस जेड थ्री, ठीक है। इनको हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जेड वन टू सी, जेड वन टू सी, जेड टू एस सी इक्वल टू जेड वन जेड टू, जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा जेड टू सी जेड वन एस सी है वो हमारा जेड वन टू सी जेड टू एस सी के बराबर है, अतः इसके सरूपण मापे की प्रतिबाधा और इसके सरूपण मापे की प्रतिबाधा, जब कंडीशन एक पर एक की सरूपण मापे की प्रतिबाधा दूसरे के दूसरे टर्मिनल पर प्रतिबाधा शून्य हो और दूसरे को मापे की प्रतिबाधा जब पहले टर्मिनल पर प्रतिबाधा अनंत हो, ठीक है। दोनों की कंडीशन अगर हम लोग विपरीत कर दे तब भी अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या है इस कंडीशन में पूछेंगे कि वो ये आएगा और फिर वो दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। क्या अगर टर्मिनल टू पर हम लोग ओपन सर्किट रखते हैं और टर्मिनल एक पर शॉर्ट सर्किट रखते हैं, अगर हम लोग इसका विपरीत करते हैं क्या कि टर्मिनल एक पर हम लोग ओपन सर्किट रखेंगे और टर्मिनल टू पर शॉर्ट सर्किट रखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा जेड टू ओ सी जेड वन एस सी, इसके बराबर हमारे क्या आएगा जेड वन ओ सी जेड टू एस सी, ठीक है। ये दोनों हमारे पास बराबर आएंगे, तो हम हमारे पास क्या है कि टर्मिनल के लिए भी है हमारे पास में और इसके लिए भी है। अभी हम लोग क्या डेल्टा जाल के लिए भी निकालेंगे कि ये दोनों बराबर आते हैं, हालांकि इनका जो वैल्यू आता है निकालने का कि जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री और जेड थ्री जेड वन की जगह कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि प्रतिबाधा है जिस रूपियों एक दूसरे से जुड़ी हुई है जाल में, लेकिन हमारा ये और ये दोनों बराबर ही आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये देखा कि किस प्रकार से ये दोनों बराबर है और हमने इस जाल का इसमें रूपांतरण किया तो ये प्रतिबाधा ये आ रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे एक जटिल जाल का डेल्टा जाल में रूपांतरण करेंगे। हमने इससे पहले देख प्रकार की जटिल जाल किस प्रकार से डेल्टा जाल किस प्रकार से दिखा देता है और इसको हम लोग क्यों डेल्टा जाल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो शेप होता है डेल्टा की तरह होता है, हम लोग डेल्टा जाल में मिनिमम तीन प्रतिबाधाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुनः तीन प्रतिबाधाओं का यूज करके एक डेल्टा जाल का निर्माण करते हैं और फिर जिस प्रकार से हमने एक जाल के लिए प्रतिबाधा का मान ज्ञात करेगा उसी प्रकार से हम लोग डेल्टा जाल के लिए प्रतिबाधा का मान ज्ञात करेंगे। हमने देखा कि हमारा डेल्टा जाल किस प्रकार से होता है, ऊपर की साइड डेल्टा की एक नीचे की साइड और एक ये साइड, ठीक है। इसको हम लोग पाई जाल भी कहते हैं, ये हमारा पाई जाल हो गया, ये जटिल जाल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसके टर्मिनल एकदम वन वन और टू टू है और इसके भी टर्मिनल एकदम हमारे कौन कौन से वन वन और
2 है, ठीक है। ये हमारी जेड ए है, ये जेड बी है और ये जेड सी है। ये क्या है हमारा पाई या डेल्टा ग्राम, पाई या डेल्टा ग्राम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उन्हें इस कॉम्प्लेक्स जड़ के लिए हम लोग जेड वन ओ सी, जेड वन एस सी, जेड वन एस सी, जेड टू ओ सी और जेड टू एस सी, इनका मान याद करेंगे। इस चाल के लिए हम लोग ये चारों प्रकार की प्रतिबाधाएं याद करते हैं, फिर इस चार्ज के लिए हम चारों प्रतिबाधाएं याद करते हैं। तो जो जेड वन ओ सी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए याद की वो इसके जेड वन ओ सी के बराबर होनी चाहिए, जेड वन एस सी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए याद की वो इस पॉइंट डेल्टा के बराबर होनी चाहिए, और जेड टू ओ सी जटिल जाल के लिए वो इसके जेड टू ओ सी के बराबर होनी चाहिए, और जो जेड टू एस सी उसके हैं जटिल जाल के वो इसके जेड टू एस सी के बराबर होनी चाहिए। अगर ये चारों प्रतिबाधाएं बराबर है तो हमारा ये जाल इसके जाल के बराबर होगा, ठीक है। इसके जो टर्मिनल लगे हैं उन पर वोल्ट का वोल्ट बना होगा मान, इस जाल के वोल्ट का वोल्ट बना होते मान के बराबर होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है इसके अंदर कितनी प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई है, कितने कैपेसिटर है, प्रेरकत्व वगैरह जो भी विद्युत चालक किया है और प्रतिबाधाएं हैं जो जुड़ी हुई है इसमें और वो किस रूप में जुड़ी हुई है, लेकिन हम लोग उसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और प्रतिबाधा भी। हाँ ये क्या है, ये भी पैसिव है और ये भी पैसिव है, दोनों में हमारे पास में कोई विद्युत बल स्रोत नहीं लगा है। हमने जेड वन ओ सी, जेड वन एस सी, जेड टू ओ सी, जेड टू ओ सी इसके लिए याद कर लिया। हम लोग इसके लिए याद करते हैं तो पहली राशि क्या है हमारे पास में, जेड वन ओ सी। तो जेड वन ओ सी क्या करेंगे हम लोग, टर्मिनल यूनिट एक पर मौजूद प्रतिबाधा जब टर्मिनल यूनिट टू ओपन हो, जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, टर्मिनल यूनिट टू ओपन होने पर क्या होगा, तो देखो ये प्रतिबाधा इसके समांतर श्रेणी क्रम में है और फिर उसकी यहाँ पे समांतर टर्म क्रम है। देखो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझ लेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा, हमने इसको लंबा कर दिया, तो ये हमारी जेड ए है, ठीक है। और लंबा करने के बाद ये भी क्योंकि ये ओपन है तो इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्मिनल है, उसके बाद हमारी ये जेड सी है, ठीक है, इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और फिर ये टर्मिनल इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और इस टर्मिनल से एक जेड ए भी हमारे पास में जुड़ी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से होती है जेड, ठीक है। तो हम लोग टर्मिनल नंबर 2 को ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमारी ये है और ये दोनों श्रेणी क्रम में रहती है और ये एक श्रेणी क्रम के समांतर क्रम में आ जाती है, ठीक है। तो ये एक टर्मिनल नंबर 1 हो गया, ये भी टर्मिनल नंबर 1 है, ये वाला, ठीक है। ये यहां पे जुड़ी हुई है टर्मिनल नंबर 1 पर, तो टर्मिनल नंबर 1 को क्या क्या जुड़ी हुई है, जेड ए जुड़ी हुई है, जेड सी जुड़ी हुई है, तो टर्मिनल नंबर पे जेड ए जुड़ी हुई है, जेड सी जुड़ी हुई है, और टर्मिनल नंबर का एक का दूसरा टर्मिनल है उसमें हमारी जेड ए और जेड बी जुड़ी हुई है, ये जेड बी और जेड ए जुड़ी है और जेड बी जेड सी के समांतर क्रम में। अब हम लोग आसानी से इस टर्मिनल नंबर 1 पर मापित प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं, कितनी है हमारी, ये दोनों श्रेणी क्रम में जेड बी जेड सी, जेड बी जेड सी, ठीक है, जेड बी प्लस जेड सी, जेड बी प्लस जेड सी श्रेणी क्रम में, और उनके समांतर क्रम में क्या है हमारा जेड ए है, तो इसको हम लोग जेड ए से मल्टीप्लाई करते हैं, जेड बाई जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ऐड होती है, हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में हमारा जेड वन ओ सी, जेड वन एस सी निकालने को, तो जेड वन एस सी कैसे आएगा, हमारे टर्मिनल नंबर ए टू 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 है, ठीक है, ए टू 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 टर्मिनल नंबर हमको जेड वन एस सी निकालना है, तो जेड वन एस सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जेड वन पर मापित प्रतिबाधा जब ये टर्मिनल में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है।
देखो हमारे जो करंट है वहां पे इधर जाएगा तो इसको प्रतिबाधा का सामना करना पड़ेगा, तो ये यहाँ नहीं जा करके डायरेक्ट शॉर्ट होके यहाँ होके बह जाएगी, मतलब इस तरह से कनेक्ट करेगी। माना कि यहाँ पे कोई प्रतिबाधा ही नहीं लगती है, तो हमारे ये एक एक पर प्रतिबाधा कितनी होगी इस सिरे पे और इस सिरे पे, ये दोनों प्रतिबाधा क्या है जुड़ी हुई है तो समांतर क्रम में आ जाएगी दोनों। इस प्रकार से देखो ये है हमारी जेड बी और ये है हमारी जेड बी, ठीक है, दोनों कैसे आगे समांतर क्रम में, तो दोनों ऐड किया हमने तो क्या हो गया हमारा जेड वन एस सी, जेड वन एस सी इक्वल टू जेड ए जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी, ठीक है, जेड ए प्लस जेड बी। अब हम लोग इस टर्मिनल के लिए उनके पर पता याद करेंगे, ये हमारी जेड सी है, ठीक है। अब हम लोग टर्मिनल एवं टू पर वापस पता याद करेंगे जो कि हमारी जेड टू सी और जेड वन जेड टू एस सी है, तो जेड टू सी कितनी होगी हमारी जेड टू ओ सी। टर्मिनल एवं टू टू पर मापे प्रतिबाधा जब ये हमारा ओपन हो, देखो ये टर्मिनल जो ओपन रहता है इसका मतलब है कि ये जो यहाँ इन दोनों के बीच है ये जो सर्किट पूरा होगा हमारा इसके समांतर क्रम श्रेणी क्रम में ये है हमारा जेड बी और जेड सी। देखो इस प्रकार से हमारा सर्किट बनेगा, ठीक है, और ये हमारी जेड बी है, ये जेड बी है और उसके समांतर क्रम में हमारी क्या रहेगी जेड सी रहेगी। जेड सी कैसे रहेगी तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जब इसको ओपन रखेंगे तो ये नहीं है हमारे पास में युगम। अब देखो हमारे जैसे ये बिंदु है ए और ये बिंदु एम बिंदु है, ये एम बिंदु, ठीक है, इस पर प्रतिबाधा मापन कर लेते हैं। तो देखो ये जो एम बिंदु है हमारा जेड बी और जेड सी मिला हुआ है इसके, तो जेड बी जेड सी जिस बिंदु पे मिल रहे हो एम बिंदु हो गया और एम बिंदु हो गया और जिस बिंदु पे हमारा जेड ए और जेड सी मिल रहे हो एम बिंदु हो गया, तो जेड ए और जेड सी जिस बिंदु पे मिल रहे हो एम हो गया, ठीक है, ये भी युग्म टू है, ये भी युग्म टू है। इस प्रकार से हम लोग इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का सर्किट आता है, तो इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी जेड ए प्लस जेड बी समांतर क्रम में है श्रेणी क्रम में है, जेड बी जेड ए प्लस जेड बी ये तो क्या है श्रेणी क्रम में है और ये दोनों मिलकर इसके समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जो प्रतिबाधा ऐड होती है इस प्रकार से ऐड करते हैं जेड सी जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ये हमारी जेड टू ओ सी होगी। अब हम लोग क्या याद करेंगे जेड टू एस सी याद करेंगे, हम जेड टू एस सी याद करेंगे। देखो जेड टू एस सी का मतलब इन पर मापित प्रतिबाधा जब ये शॉर्ट सर्किट है जब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर लेंगे तो ये धारा इसमें रुकी नहीं पड़ेगी, इसके होने नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया कि हमारी प्रतिबाधा जेड बी और दूसरी हमारी प्रतिबाधा जेड सी के हैं समांतर क्रम में। देखो एम बिंदु पे हमारी जेड बी एड्स मिल रही है तो ये बिंदु एड हो गया और एम बिंदु पे क्या क्या मिल रहा है हमारा ये दोनों प्रतिबाधा मिल रही है जेड बी और जेड सी एम बिंदु गया, तो इस प्रकार से हमारा टर्मिनल एवं ये टू टू हो गया और इनका मापन प्रतिबाधा कितनी होगी जेड बी जेड बी जेड सी कैसी होगी जेड टू शॉर्ट सर्किट इक्वल टू जेड बी जेड सी अपॉन जेड बी प्लस जेड सी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में इस डेल्टा तार के लिए हमारे पास में क्या भी चारों प्रकार की प्रतिबाधाएं आ रही हैं, ठीक है। हम वापस इसको मूल रूप में ले लेते हैं, हमने जो समझाने के लिए इसको बताया था, ठीक है। तो ये हमारा जेड ए है जेड बी है जेड सी है, तो जेड वन ओ सी करने के लिए हमने क्या किया इसको ओपन रखा, ओपन रखते ये जो श्रेणी क्रम में आ गए जेड बी प्लस जेड सी फिर वो इसके समांतर क्रम में है तो हमने समांतर क्रम में इसको ऐड कर दिया प्रतिबाधा को, और फिर जेड वन एस सी इसको शॉर्ट सर्किट करने का मतलब
उसके बाद में जेड टू फोर सी इसके सूत्रमापित प्रतिपदा जब ओपन हो तब क्या होगा हमारा जेड डी और जेड डी श्रेणी क्रम में और दोनों मिलके इसके समांतर क्रम में जेड सी तो समांतर क्रम के नियम से हमने इसको ऐड कर दिया और उसी प्रकार से हमने जेड टू फोर सी ज्ञात कर लिया। जेड टू फोर सी मतलब सूत्रमापित प्रतिपदा जब सोर्स से निकलेगा तो सोर्स से निकलेगा तो ये प्रतिपदा का कोई रोल नहीं करेगा तो दोनों प्रतिपदा जेड डी और जेड सी क्या होंगी समांतर क्रम में होगी। तो समांतर क्रम में किस प्रकार से प्रतिपदा ऐड होती है उनको हमने शून्य प्रतिपदा से स्थापित कर दिया। इस प्रकार से हमारे पास में इस पर मापित चारों प्रकार की प्रतिपदा है ये चारों प्रकार की प्रतिपदा है हमने इस चार पर मापित चारों प्रकार की प्रतिपदाओं की तुलना कर दी। अब हमारा चेड डेड की जो वैल्यू आएगी इस समीकरण से उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या है हमारे जाल इसको रिप्रेजेंट करेगा अतः जटिल जाल में हमारा ड्राइवर कोसी इस जाल के इसके बराबर होनी चाहिए फिर जटिल जाल का ये हमारा डेल्टा एल का इसके बराबर होना चाहिए जटिल जाल का ये डेल्टा एल इसके बराबर होना चाहिए और ये कॉम्प्लेक्स का ये जटिल डेल्टा एल के इसके बराबर होना चाहिए। एच में वास्तव में क्या है जटिल जाल के लिए ज्ञात कर लेते हैं और जटिल जाल जो हमारा पाई है डेल्टा जाल है उसके लिए इसकी वैल्यू हमारे इसके बराबर आती है कितना हमने ज्ञात किया है। तो हम लोग इन चारों को सोल्व करके हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं इन चारों को सोल्व करके हम लोग जेड जेड डी जेड सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम लोग जेड जेड डी जेड सी का मान अगर ज्ञात हो गया तो फिर ये जटिल जाल का ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा ये सिंपल जाल में। तो हम लोग अभी कैलकुलेशन करके किस प्रकार से इनके मान निकाले जा सकते हैं ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जेड और कोसी से जेड और एस सी को घटा देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए को मिटा देते हैं कैलकुलेशन ठीक है। जेड वन ओ सी माइनस जेड वन एस सी ठीक है। तो इसमें से इसको बताइए तो हमारे पास में क्या आया है इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आया हमारा जेड ए जेड बी प्लस जेड सी कैरिड बाय जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी इसमें से हमारा जेड और एस सी लगा दिया हमने वो क्या है हमारा जेड ए जेड बी कैरिड बाय जेड ए प्लस जेड बी क्या बनता है जेड प्लस जेड बी इससे मल्टीप्लाई होगा हमारा और के इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा देखते हैं हमारा कैसे आता है थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी हम करते हैं इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करने में जेड ए जेड बी प्लस जेड ए जेड सी मल्टीप्लाई जेड ए प्लस जेड बी माइनस जेड ए जेड बी मल्टीप्लाई जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी ठीक है। और इससे क्या है हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई हैं जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी मल्टीप्लाई बाई जेड ए प्लस जेड बी ठीक है इन्होंने मल्टीप्लाई कर अब देखो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा जेड ए स्क्वायर जेड बी तो ये आ गया हमारा इक्वल टू जेड ए स्क्वायर जेड बी प्लस जेड ए स्क्वायर जेड सी प्लस जेड ए जेड बी स्क्वायर प्लस जेड ए जेड बी जेड सी एक बार जब जेड ए को मल्टीप्लाई कर दिया उसको तो हमारे पास जेड ए स्क्वायर सी आ गया यहाँ पे जेड ए है और एक बार हमने किसी मल्टीप्लाई करते जेड बी स्क्वायर हमारा जेड ए जेड बी स्क्वायर और जेड ए जेड बी जेड सी आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं लोग जेड ए जेड बी जेड ए को इससे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास में आ गया माइनस जेड ए स्क्वायर जेड बी ठीक है फिर आ गया माइनस जेड ए जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए जेड बी और जेड सी ठीक है ये आ गया हमारा
डिवाइड बाय बच गया हमारा, क्या बच गया, जेड ए जेड बी जेड सी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। ठीक है, हमने जेड सी से जेड कैसे लगाया था, ठीक है, इसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ए से मल्टीप्लाई होगा जेड ए स्क्वायर जेड बी, बी से मल्टीप्लाई होगा जेड ए जेड बी स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई होगा जेड ए जेड बी जेड सी में यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमारा जेड ए स्क्वायर जेड बी से जेड ए स्क्वायर जेड बी कैंसिल हो जाएगा, जेड ए स्क्वायर जेड सी से जेड ए स्क्वायर जेड सी यहाँ पे कैंसिल कैंसिल नहीं होगा, फिर जेड ए जेड बी स्क्वायर इस जेड ए जेड बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जेड ए जेड बी जेड सी जेड ए जेड बी जेड सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Z square plus 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 Z square pl
इसके साथ हम लोग एक काम और करते हैं, इसको हम क्योंकि हमारे पास जेड टू सी है, इसको हम लोग जेड टू सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो जेड टू ओ सी मल्टीप्लाई बाय जेड वन ओ सी माइनस जेड वन एस सी, इसका मान कितना है? ये हमारे पास है जेड सी, जेड सी जेड ए प्लस जेड बी डिवाइड बाई जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक है। और ये तो हमारे पास में जेड प्लस जेड बी जेड था, और ये हमारे पास में जो वैल्यू लिखी हमने किसकी है? जेड ओ सी की। हम लोग जेड ओ सी में जेड एस सी के लिए यहां करते हैं मल्टीप्लाई बाई जेड ए स्क्वायर जेड सी, जेड ए स्क्वायर जेड सी डिवाइड बाई क्या है हमारे पास में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी मल्टीप्लाई बाई जेड ए प्लस जेड बी, जेड ए प्लस जेड बी। तो हमारे जेड ए प्लस जेड बी इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा दिस इक्वल टू, ये तो इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास जेड सी का जेड सी जेड सी स्क्वायर आ गया, जेड ए स्क्वायर जेड सी अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी इसका होल स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया? जेड टू ओ सी जेड वन ओ सी माइनस जेड वन एस सी, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जेड को उसको जेड वन एस सी इस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग, ठीक है। जेड टू ओ सी जेड वन एस सी ये कितना है हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो देखो जेड टू ओ सी कितना है जेड सी जेड ए प्लस जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक है। और जेड एस सी कितना है हमारे जेड एस सी है जेड ए
जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी, ठीक है। हमने कहते हैं दोनों मल्टीप्लाई करके तो हमारे जेड टू सी क्या है, ये जेड टू सी है और ये जेड वन एस सी है, तो क्या होगा देखो जेड ए प्लस जेड सी जेड ए प्लस जेड बी कट जाएगा, तो हमारे पास में जेड सी जेड ए जेड बी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा जेड सी जेड ए, ओके। तो हमारे पास में जेड टू ओ सी जेड वन एस सी कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में जेड ए जेड बी जेड सी जेड ए जेड बी जेड सी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक है। ये आ गया हमारा जेड ओ सी जेड वन एस सी अपॉन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में ये जेड ए जेड बी जेड सी, ठीक है, जेड ए जेड बी जेड सी है, जेड ए जेड बी जेड सी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। हम लोग क्या करते हैं इस समीकरण में इसका भाग ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में देखो ये जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी से एक जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, वैसे हम लोग क्या करते हैं इसे स्क्वायर रूट करते हैं पहले, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर रूट करेंगे, और इसका स्क्वायर रूट करने के हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जेड टू ओ सी जेड वन ओ सी माइनस जेड वन एस सी, ये किसके बराबर होगा हमारा, ये होगा जेड ए जेड बी अपॉन जेड ए जेड सी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो हमारे पास जेड ए जेड सी अपॉन ये सिंगल फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर इसका भाग लेते हैं, ठीक है। देखो सब समान है इसमें, सिर्फ जेड 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 ए जेड सी है, यहाँ पे जेड बी है, तो हमारे पास में क्या रहेगा इसमें इसका भाग लेंगे तो हमारे पास जेड बी का मान आ जाएगा, ठीक है। हम लोग भाग लेके देखते हैं, इसमें इसका भाग लेके देखते हैं। देखो ऊपर हमारे पास जेड ए स्क्वायर है, जेड बी है और जेड सी, जेड ए जेड बी जेड सी ऊपर, ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या है जेड ए जेड सी, और नीचे जेड ए प्लस जेड बी जेड सी, और यहाँ पे जेड ए प्लस जेड बी जेड सी है, तो जब इसमें हम लोग इसका भाग देंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जेड बी बच जाएगा, ठीक है। इसमें इसका भाग देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू रहेगी, जेड बी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है जेड टू ओ सी जेड वन एस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जेड टू ओ सी जेड वन ओ सी माइनस जेड वन एस सी, ठीक है। ये हमारे जेड बी का मान आ गया। तो हमने देखा कि इन समीकरणों को हम लोग हल करके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हमने जेड बी का मान निकाल लिया, तो जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था उसका हम लोग डेल्टा नेटवर्क में अगर रूपांतरण करते हैं तो हमारा जेड बी का मान ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पे जेड टू ओ सी जेड वन एस सी इनका मान ज्ञात करके हम लोग उसमें बी का जेड बी का मान निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से हमारा जेड सी और जेड ए का मान भी निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेड बी के अलावा जेड ए और जेड सी का मान कैलकुलेशन करके निकालेंगे।